बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी बनाम चिराग पासवान की शीत युद्ध की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोटे में कोटा आने के बाद लगातार बिहार की सियासत में उठापटक की स्थिति मची हुई है, तो वहीं जीतन राम मांझी चिराग पासवान की खिलाफत करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान सामने आया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को कहा कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, मगर जिसकी जितनी जनसंख्या है उस आधार पर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर और कोटे में कोटा दो अलग अलग बातें हैं। हम भी मंत्रिमंडल में थे, हमारी भी बात हुई है। मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री का निर्देश है क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, यह सही बात है। अनुसूचित जाति SC में जो लोग हैं उसमें OBC की तरह क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज़ादी के इतने साल बाद भी हाशिए पर हैं, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए, जनसंख्या के आधार पर बात होनी चाहिए। मांझी ने कहा कि SC में बिहार में 21 जातियां हैं, इनमें से 4 विकसित जातियां हैं जिसे जो है D4 कहते हैं। आज के समय में जज, कलेक्टर, चीफ इंजीनियर, डॉक्टर, बैंकिंग या रेलवे में इन्हीं 4 जातियों की 90% भागीदारी है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इसके अलावा जो भूया, नट, मेहतर जैसी बाकी जातियां हैं उनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। हमने कैबिनेट में भी कहा कि इनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं चिराग पासवान के सवाल पर मांझी ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने तो कहा था कि हर 10 साल पर आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, इस हिसाब से अभी तक 5-6 बार समीक्षा होनी चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुई है, इस पर क्यों नहीं बोलते। आपको बता दें कि कोटे में कोटा का जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से चिराग पासवान लगातार पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी लगातार चिराग पासवान के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, जिससे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA में जो है फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल देखा जाए तो जीतन राम मांझी का यह बयान अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तरीके से बीते दिनों ST और SC के सांसदों ने मुलाकात की और प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि ये फैसला लागू नहीं होगा, उसके बाद से देखा गया कि जीतन राम मांझी नरमी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।